नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। राशिफल 8 सितंबर 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। शुरुआत करते हैं आज सुबह के संक्षिप्त पांचांग से। और आज अगर आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, हमारे चैनल की तरफ से शुभकामनाएं। सूर्योदय होगा 6:06 पर, सूर्यास्त होगा 6:30 शाम को। तिथि है कृष्ण पक्ष पष्टी और नक्षत्र है भरणी, योग है वैघात, वार है मंगलवार, चंद्र राशि है आपकी 3:10 PM तक मेष फिर वृषभ, अभिजीत मुहूर्त है 11:53 AM से लेकर 12:44 PM तक, विजय मुहूर्त है 2:22 PM से लेकर 3:12 PM तक, राहु काल है 3:25 PM से लेकर 4:58 PM तक। तो राहु काल में सावधानी और शुभ समय में शुभ और महत्वपूर्ण काम करिए। और ये जो समय है ये आपके शहर आपके देश के अनुसार कुछ मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। अब हम बात करेंगे आज के विशेष की। लाजवर्द रत्न के बारे में हम पिछले एक हफ्ते से चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे फायदे बताए, आज कुछ नए फायदे बताता हूं। बार बार इसीलिए बताता हूं ताकि आपका भला हो सके, आप जीवन में कष्टों से मुक्ति पा सके। तो चलिए कुछ नए फायदे सुन लीजिए। मत्स्य तिल कील मुहासे, चेहरे की जो झाइयां होती हैं यानी कि जो चेहरे की जो झुर्रियां होती हैं, इसमें भी बहुत राहत देता है। आंखों के नीचे डार्क सर्किल्स पड़ जाते हैं, चेहरे की जो रंगत गायब हो जाती है, उसको दूर करने में ये काफी सहायक है। बवासीर पित्त के रोग, इसको दूर करने में काफी सहायक है। शरीर में नए खून को पैदा करता है और रक्त संचार को प्रॉपर मात्रा में शरीर के अंदर दौड़ाता है, जिससे चेहरे की चमक पड़ती है, शरीर के हर अंग में पर्याप्त खून पहुंचता है और शरीर जल्दी स्वस्थ हो जाता है। हृदय रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि हृदय रोग में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है हार्ट प्रॉब्लम्स में, हार्ट अटैक की। जब खून ठीक तरीके से हृदय में नहीं पहुँच पाता है तो हार्ट अटैक आता है। ये खून के संचार को बहुत बढ़िया करता है। दौरे पड़ना, मिर्गी के दौरे पड़ना, चक्कर आ जाना, आंखों की रोशनी कम हो जाना, आंखों से पानी टपकना, शनि राहु केतु जैसे अशुभ ग्रहों के जो अशुभ प्रभाव है उनसे मुक्ति, शनि की 7.5 से मुक्ति, शनि की ढैया से मुक्ति, काला जादू, पीला जादू, हरा जादू, जितने प्रकार के दुनिया में जादू होते हैं उन सब जादुओं से मुक्ति, शत्रुओं पर विजय, डिप्रेशन को खत्म करना, मोटापे को खत्म करना, दुर्घटनाओं से बचाना, घर में पैसे को बरकत करना, नौकरी व्यापार में तरक्की करना, बॉस से अच्छी मित्रता कराना, दुश्मनों को भी दोस्त बना देना, प्यार इश्क मोहब्बत के मामलों में सफलता दिलाना और खूब धनवान बनाना, तनाव से मुक्ति दिलाना, नशे से मुक्ति दिलाना, और जो लोग निकम्मे हैं उनको काम की आदत डालना, जो लोग आलसी हैं उनके अंदर आलस दूर करना, पढ़ने लिखने वाले बच्चों की याददाश्त तेज करना, परीक्षा कंपटीशन देने वाले बड़े छोटे लोगों का दिमाग तेज करना, ये सारे फायदे एक लाजवर्द रत्न के हैं और इसको कोई भी राशि का महिला पुरुष नियम पूर्वक धारण कर सकता है। अब बहुत दिनों से आप सुन रहे हैं, फिर भी मैंने आज 4-6 नई बातें जोड़ी, कल कुछ और बातें बताऊंगा, और ये बातें मेरे द्वारा बनाई गई नहीं है, ये सब मैं शोध कर करके आपको बता रहा हूं, इसका प्रमाण है। शनि संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, राहु केतु संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, शनि राहु केतु को अपना मित्र बनाने के लिए लाजवर्द रत्न धारण कर लीजिए। अब आप में से बहुत सारे लोग ले चुके हैं, 2 लॉट हमारी तरफ से डिस्पैच हो चुके हैं जो आपको 2-4 दिनों में मिलने वाले होंगे, सबको इसी सप्ताह में मिलने शुरू हो जाएंगे लाजवर्द सबको, बाकी जैसे जैसे जिसकी बुकिंग है वैसे वैसे सबको मिलने शुरू हो जाएंगे। आप में से जो लोग नहीं ले पाए हैं वो लोग L लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। अब आ जाते हैं राशिफल पर। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातक जातिकाओं की। कुंभ राशि वालों को आज का दिन यानी 8 सितंबर का दिन कैसे बीतेगा आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक। आज का दिन तनाव में, चिंता में, परेशानियों में आपको राहत मिलने का है। आज आपको चिंता परेशानियों से मुक्ति मिलने वाला दिन होगा। आज परिवार वालों के साथ
आनंद में समय बीतेगा, दोस्तों के साथ, अपने शुभ चिंतकों के साथ बढ़िया दिन बिताने का मौका मिलेगा, अच्छे लोगों से मिलना जुलना होगा, समाज में पद मान सम्मान बढ़ेगा, किसी छोटे मोटे पारिवारिक उत्सव जैसे जन्मदिन या किसी की कोई छोटी मोटी पार्टी में आना जाना हो सकता है आस पड़ोस में, या चाहे घर पे भी हो सकती है या ऑफिस में भी हो सकती है, वाहन इत्यादि खरीदने का विचार बन सकता है, प्लानिंग हो सकती है, अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर आप लोग गाड़ियाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, ये लेंगे वो लेंगे, इसमें इतना पैसा लगेगा उसमें उतना पैसा लगेगा, और कैसे पैसे का इंतजाम होगा इस पर भी विचार विमर्श हो जाएगा, धन कहाँ से आएगा गाड़ी खरीदने के लिए, अगर आपके पास कितना है, लोन लेना है, ये सब चीज़ों पर विचार होगा। आज अपने माता पिता की सहायता से आप कोई काम कर सकते हैं, चाहे वो सहायता पैसों से हो या उनकी सलाह से हो। आपकी माता जी का आशीर्वाद आपको हर मुसीबत से आपकी बचाएगा, रक्षा करेगा, जमा पूंजी बढ़ेगा, शानदार दिन है। कुछ मामलों में आप उत्तेजित हो सकते हैं तो शांत रहने की आवश्यकता होगी। आप कुछ नया करना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, और जल्दी करने का जो जल्दबाजी होगी वो आपके चेहरे पर उत्तेजना के रूप में दिखाई पड़ेगी। सब लोग समझ जाएंगे कि आप कुछ करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और आपसे कंट्रोल भी नहीं होगा, और आप सब कुछ अपने दिल का हाल भी सामने वाले के सामने रख देंगे। जो बात आपको नहीं बोलनी चाहिए शायद वो भी आपकी जुबान से गलती से निकल जाए, यहाँ पे संभलना होगा। प्रयास करने से पहले हर पहलू पर नजर डालें कि जो आप प्रयास या जो कोशिश करने जा रहे हैं, जो काम करने जा रहे हैं, ये सही है कि नहीं है, तभी प्रयास करें, तभी शुरुआत करें। कुछ काम ऐसे होंगे जहां पर ईमानदारी के साथ थोड़ी सी चतुराई भी दिखानी पड़ेगी, तभी वो काम आपके पक्ष में आएंगे। आज कोई भी कष्ट हो उसका निपटारा करने के लिए अच्छी योजना बनानी पड़ेगी, प्लानिंग के साथ ही आप आगे बढ़ पाएंगे। कोई पुराना विवादित मामला परेशान कर सकता है, सेहत का ध्यान रखें। बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में कम लगेगा, वैवाहिक जीवन प्रेम संबंध बढ़िया रहेंगे, धन कमाने व धन खर्च करने के अनेक अवसर आएंगे। अब आपको तय करना है कितना कमाना है और कितना खर्च करना है और कितना बचाना है, ये सब कुछ आपकी और आपकी जरूरतों पर निर्भर करेगा। हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए, गणेश जी की उपासना करिए, गायत्री मंत्र का पाठ करिए, सब मंगल मंगल होगा, और लाजवंत रत्न पहन लीजिए, कल्याण हो जाएगा जीवन में, ऐसे अवसर दिखाएगा ये लाजवंत रत्न कि आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, किसी भी तरीके की नहीं, चाहे वो धार्मिक ही क्यों ना हो। खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, मुस्कुराते रहें, और ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहें। हरिओम, नमस्कार।